डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर द नाइट मैनेजर नामक सीरीज स्ट्रीमिंग हुई है, जो इसी नाम से बने ब्रिटिश शो का हिंदी रिमेक है। रिमेक बनाते समय टारगेट ऑडियंस की पसंद के अनुरूप कुछ बदलाव किए जाते हैं। कास्टिंग दमदार होना चाहिए, क्योंकि तुलना सीधे ओरिजिनल शो से होती है। अक्सर रीमेक बनाते समय गड़बड़ियां हो जाती है, लेकिन द नाइट मैनेजर का हिंदी वर्जन सीधे पहली फ्रेम से पकड़ बनाकर रखता है। यह एक थ्रिलर है जिसमें अवैध रूप से हथियार बेचने वालों का एक गिरोह है, जिसके पीछे रॉ के कुछ लोग लगे हैं। गिरोह का सरगना रूंगटा बेहद शक्तिशाली है और अपने नेटवर्किंग के जरिए वह आसानी से बच निकलता है। एक आम आदमी इस गिरोह में दाखिल होता है और उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 4 एपिसोड में पहला पार्ट बना है और दूसरे पार्ट को जून में देखा जा सकेगा। पहले एपिसोड से ही बहुत कुछ बता दिया गया है। सस्पेंस पर जोर नहीं दिया गया है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा बाकी है जिसके लिए दूसरे पार्ट का इंतजार करना होगा, और यह आसान बात नहीं है। दरअसल द नाइट मैनेजर अपने प्रस्तुतिकरण और दमदार एक्टिंग से सीधे आप पर पकड़ बनाता है। श्रीधर राघवन ने भारतीय दर्शकों के अनुसार लोकेशन बदली है और कहानी का भारतीकरण भी किया है, और उन्होंने एक अच्छा स्क्रीन प्ले लिखा है। ढाका से शिमला होते हुए कहानी श्रीलंका पहुंच जाती है, लेकिन इस बीच बहुत सारा घटनाक्रम घटता है। लगातार उम्दा कैरेक्टर्स आते रहते हैं जो दर्शकों पर प्रभाव छोड़ते हैं। कास्टिंग इतनी उम्दा है कि हर कलाकार अपने रोल में फिट लगता है। आदित्य राय कपूर पहले कभी अपनी एक्टिंग और लुक से प्रभावित नहीं कर पाए जितना वे द नाइट मैनेजर में करते हैं। इसके बाद अनिल कपूर का किरदार सामने आता है, जो आर्म्स डीलर है। यह किरदार बहुत खतरनाक है, लेकिन स्क्रीन पर बुरा नहीं बल्कि भला आदमी लगता है। पुरानी शराब की तरह अनिल की एक्टिंग निखरती जा रही है। उसकी गैंग में भी कुछ दिलचस्प किरदार हैं, जो शोभिता अधुलिपाला और शाश्वत चटर्जी ने अदा किए हैं। रॉक के लिए काम करने वाली लिपिका सैकिया है, जो बेहतरीन तरीके से तिलोत्तमा श्रोम ने अदा किया है। इन कलाकारों की एक्टिंग और जुगलबंदी इतनी उम्दा है कि आप स्क्रीन से आंख हटाना नहीं चाहते। कहानी कुछ लोगों को रूटीन लग सकती है, लेकिन संदीप मोदी और प्रियंका घोष का सदा हुआ निर्देशन और कहानी कहने का तरीका उम्दा है। बहुत बताकर भी उन्होंने बहुत छिपाए रखा है। संभव है कि कुछ किरदार जो अभी दबे हुए लग रहे हैं, दूसरे पार्ट में उभर कर सामने आए। शान सेन गुप्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में ज्यादा बताया नहीं गया है। उसके बारे में विस्तृत रूप से शायद सेकंड पार्ट में दिखाया जाए। पार्ट वन इस बात की गहराई में नहीं जाता कि आर्म्स डीलर किस तरह से अशांति का माहौल बनाकर हथियार को बेचते रहते हैं। यहाँ पर कुछ ठोस बातें निकलकर आनी थी। संदीप और प्रियंका ने बढ़िया लोकेशंस और अरबपतियों की लाइफ स्टाइल को उम्दा तरीके से पेश किया है। एक होटल को कैसे चलाया जाता है, इसकी झलक भी शान के किरदार से मिलती है। सीरीज में बहुत खून खराबा नहीं है, अब शब्दों से भी दूरी बनाकर रखी गई है। हल्के फुल्के क्षण भी रखे गए हैं, खास तौर पर लिपिका का श्रीलंका पहुंचना और उसके कुछ वन लाइनर्स मजेदार है। पूरी कहानी देख कर ही कहा जा सकता है कि द नाइट मैनेजर देखने लायक है या नहीं, लेकिन पहले पार्ट की बात की जाए तो ये एंगेजिंग है। इस सीरीज को मैं 5 में से 3 स्टार देता हूँ।